बिग बॉस 13 का ये सीजन दिन ब दिन टेढ़ा ही होता जा रहा है, जहां आज तक बिग बॉस के इतिहास में एक हफ्ते के अंदर इतना वॉयलेंस नहीं देखने को मिला था जितना इस वीक के एक दिन में देखने को मिला है। इस हफ्ते सबसे ज्यादा वॉयलेंस हुआ है सिद्धार्थ और आसिम की वजह से, क्योंकि इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी वजह से इनकी लड़ाइयां हो रही हैं। वह इसी बीच घर से अचानक निकाले जा चुके हैं खेसारी लाल यादव, जिसके बाद अब एविक्ट होने का नंबर आया है नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से किसी एक का। इस वीकेंड के वार में आरती सिंह और डेवोलिना भट्टाचार्य को नॉमिनेट किया गया है एविक्शन के लिए, जिसमें से दोनों को मिले हैं बराबर के वोट, जिस वजह से उनमें से कौन होगा एविक्ट इसके बारे में नहीं बताया है सलमान खान ने। वही आज के एपिसोड में सलमान खान कहेंगे आरती सिंह और देवोलीना भट्टाचार्य को कि वो दोनों गेट के पास जाकर खड़ी हो जाएं, और क्योंकि दोनों को बराबर वोट मिले हैं इस वजह से उनमें से किसी एक को एविक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और इसी वजह से जब वो गेट के पास जाकर खड़ी होंगी तो गेट में से एक हाथ उन दोनों में से किसी एक को लेकर चला जाएगा घर के बाहर। वही इसी बीच देवोलीना और रश्मि रोते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रश्मि देसाई की घर में सिर्फ एक ही दोस्त बची थी जो कि देवोलीना थी, और अब वो भी अगर एविक्ट हो गई तो फिर उनका साथ देने वाला घर में कोई नहीं होगा, और इसी वजह से वो इस एविक्शन से काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वही एक रिपोर्ट की माने तो इस वीकेंड के वार में कोई भी एविक्ट नहीं होगा, क्योंकि हर हफ्ते सिर्फ एक ही हाउसमेट को किया जाता है एविक्ट, जो कि पहले ही हो चुके हैं खेसारी लाल के रूप में। वही अब देखना ये होगा कि दोनों में से कौन होता है घर से एविक्ट या फिर कोई भी नहीं होगा घर से बाहर। बिग बॉस की इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्पण न्यूज़।